Here is the question. Calculate the concentration of nitric acid in mole per liter in a sample which has a density 1.4 gram per ml and the mass percent of nitric acid in it being 69%. तो हमें क्या करना है, हमें नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. कंसंट्रेशन का मतलब हो गया आपको एक्चुअल में उसकी क्या बतानी है, मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है. तो मोलेरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी हमें गिवन है और मास परसेंट भी हमें गिवन है. ठीक है, तो ये जो मास परसेंट है इसका मतलब हो गया कि वेट बाय वेट परसेंट आपको गिवन है नाइट्रिक एसिड का. तो मोलेरिटी का रिलेशन होता है वेट बाय वेट परसेंट के साथ. मोलेरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 10 इंटू डेंसिटी है 1.41 इंटू वेट बाय वेट परसेंट है 69 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड. फॉर्मूला क्या होता है, HNO3. अगर इसका फॉर्मूला HNO3 है तो इसका मोलर मास कितना होगा, 63 ग्राम पर मोल. तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं. जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 15.44 मोल पर लीटर. तो स्टूडेंट्स क्या क्या यहाँ पर हमने, हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी. तो मोलरिटी और डेंसिटी एंड वेट बाय वेट परसेंट का रिलेशन होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वेट बाय वेट परसेंटेज अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारे पास आंसर आ गया मोलरिटी का. नाउ एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आखिर कैसे बनता है. तो देखिए मैं फॉर्मूला फॉर्मेशन करना सिखा रहा हूँ आपको. तो देखिए फॉर्मूला फॉर्मेशन कैसे होता है. यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि जो वेट बाय वेट परसेंट है वो एक्स ग्राम है. क्या है, एक्स ग्राम है. इसका मतलब ये होता है एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. देन हम एक और चीज अजम्पशन कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डी ग्राम पर ml है. ठीक है, ये सब हम मान के चल रहे हैं अभी. अब सुनिए ध्यान से, मोलेरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास किसका, सॉल्यूट का. मोलर मास भी किसका, सॉल्यूट का. गिवन मास क्या होता है, देखिए गिवन मास यहां पर कितना दिया है, एक्स ग्राम. तो कितना हो जाएगा, एक्स ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. नाउ एक और चीज, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रिलेशन निकालूं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है आपको, देखिए 100 ग्राम दिया है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है. ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी है, डी ग्राम पर एम एल है. ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पर आपका क्या आ गया, 100 अपॉन डी इंटू एम एल. इसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना हो जाएगा, 1/10 डी. इसे आप लीटर में खुद कन्वर्ट कर सकते हो. तो एम एल को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 डी लीटर. तो आपके पास वॉल्यूम आ गया है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इन दोनों को यहाँ पर आप पुट कर दीजिए तो मोलरिटी क्या हो जाएगी. देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आया, एक्स अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ लीटर, क्या है वॉल्यूम ऑफ लीटर अपॉन में है कितना है 1/10 वैल्यू हमारे पास आई है, तो ये कितना हो जाएगा 10 × d लीटर। नाउ ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, जहां पर आपका एक्स क्या था, हमने अजम्पशन क्या था, एक्स क्या था वेट बाय वेट परसेंट, तो यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10 × d अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हियर इज द फॉर्मूला एंड हियर इज द योर आंसर।